ये कहाँ जा रहा है? मुझे फंसवाएगा। पता नहीं जीजी, ऐसे लगे जैसे कोई है। प्रणाम ऋषिवर। इस गृह के स्वामी को बुलाओ। अवश्य, किंतु आप तब तक स्थान ग्रहण कीजिए और जलपान कीजिए। द्वार पर आए प्रत्येक ब्राह्मण का उचित आदर सत्कार ना होने पर यशोदा रानी बहुत कुपित होती है। ठीक है, आप शीघ्र यशोदा रानी को बुलाओ। मैं यहाँ उनके लल्ला को आशीर्वाद देने आया हूँ। जी ऋषिवर। कैलाश अधिपति शिव मुझसे मिलने को अधीर थे, और वहां कंस के महायज्ञ से प्रकट बलशाली दानव को गोकुल भेजने का समय आ गया था। महाराज क्षमा कीजिए, पर अब उसे कारागार में रखना मेरे लिए बहुत ही कठिन होता जा रहा है। समय रहते ही उसे स्वतंत्र करना होगा, अन्यथा वो हमारे कारागार को तोड़कर स्वयं स्वतंत्र हो जाएगा। महाराज आप बोलिए तो। वत्सासुर, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया। अरे कान्हा, मैं आप बहुत बुरी हो। क्यों, मेरे कान्हा को ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि आप दोनों का बच्चा हमसे अधिक प्यारा है। क्या? क्यों, क्या हुआ? तो क्या, आप उनकी चिंता में आप हमें दूध बता सकना ना भी भूल जाते हैं? अरे नहीं लल्ला, मैं अभी आप दोनों के लिए दूध बताशा लाने वाली थी। अब क्या लाभ, तुम्हें तो याद भी नहीं कि तुम्हें लल्ला भूखे हैं। अच्छा, तो तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ मैया, दूध बतासी वाली भूख। अरे हमारी लल्ला तो सच में भूखे हैं। जी जी, आप ये संभालिए, मैं अभी इन दोनों नटखट के लिए दूध बताशा लेकर आती हूँ। ठीक है कान्हा? कान्हा मैया के साथ उपहास करता है, रुक अभी बताती हूँ तुझे। अच्छा, क्यों बचाऊं? उदंडता तो तू ही करता है ना। मैं कान पकड़ता हूँ, अब कोई शायद नहीं करूंगा। इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ।
मैया को बांधेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ। यशोदा रानी, द्वार पर एक ब्राह्मण साधु आए हैं और वो लल्ला के दर्शन करना चाहते हैं। खड़े हैं, चलो उनसे मिलकर लाते हैं। अब उन्हें और प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं है। पर जाओगे कैसे? तुम्हें तो छोटी मैया ने पकड़ रखा है। जाने और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे हरी। प्रतीक्षा तो मैं भी कर रहा हूँ कि मैया मुझे कब छोड़ेगी और मैं कब आपसे मिल पाऊंगा महादेव।